Afternoon, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us continue with our chapter 3 of UT4, that is graphic in basic 256. Okay. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल तक? कल तक हमने जाना था what was basic 256 graphic. क्योंकि क्लास 6 में आपने जो पढ़ा होगा वो आउटपुट खाली टेक्स्ट आउटपुट एरिया के रिगार्डिंग पढ़ा होगा. यहाँ पे हम ग्राफिक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. हमने पढ़ा था विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स में क्या क्या टूल्स या पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे को अवेलेबल होता है. एंड उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट द ग्राफिक आउटपुट एरिया इन डिटेल कि व्हाट इज द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वाई एक्सिस एंड व्हाट आर द पॉइंट्स जिनके थ्रू हम अपना कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं या कुछ लिखते हैं कलरफुल मैनर में. ठीक है, ग्राफिक आउटपुट एरिया इज जस्ट लाइक अ ग्राफ पेपर और एरिया इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्ट्स कॉल्ड पिक्सल. जो ग्राफ ग्राफिकल आउटपुट एरिया होता है वो पिक्सल्स का बना होता है. ओके, नाउ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग विथ कलर्स. अब कलर्स को देखते ही सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि कलर की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है सर ने. नहीं बेटा, एक्चुअली में क्या है ना, सिस्टम कंप्यूटर साइंस में जो हम कलर की स्पेलिंग लेते हैं वो COLORS लेते हैं. क्यों? उसकी एक वजह है, क्योंकि जितने ही प्रोग्राम है वो COLORS कमांड ही एक्सेप्ट करते हैं, वो COLORS नहीं एक्सेप्ट करते. बेसिकली ये आपका अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है वर्ड्स के स्पेलिंग का. तो जितनी भी इन्वेंशंस हुई है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या प्रोग्राम से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो आपका यूएसए में ज़्यादा हुई है, तो वहीं की टेक्नोलॉजी है ज़्यादातर सारी, तो उसमें यही यूज़ हुआ है कलर्स. तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए स्पेलिंग्स में मार्क्स कटते हैं कलर्स के. बेसिक 256, इन बेसिक 256 यू कैन अप्लाई कलर्स इन ड्रॉइंग एंड टेक्स्ट. दीज कलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू वेज. दो तरीके होते हैं. देखिए ये कलर्स दे रखे हैं, जैसे ये ब्लैक कलर है, रेड कलर है, डार्क एंड कलर है, ब्राउन कह सकते हैं, ब्लू कलर है, डार्क ब्लू है. ब्लू और डार्क ब्लू में थोड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा, वो बुक की वजह से होता है, बुक की वजह से ऐसा हो रहा है. देखो, या तो आप कलर का नेम दे दो कमांड में या फिर आप उसकी RGB वैल्यूज. RGB वैल्यू क्या होती है? रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यू. बेसिकली तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन्हीं से मिलके बाकी सारे कलर्स बनते हैं. अगर आपको कलर याद है तो कलर लिख दो, अगर RGB वैल्यू याद है तो RGB वैल्यू लिख सकते हो आप, दोनों से ही एक जैसा काम होगा. नाउ बाय नेम, इन दिस ऑप्शन यू कैन अप्लाई कलर बाय टाइपिंग इट्स नेम. देर आर 18 डिफरेंट कलर विच यू कैन स्पेसिफाई बाय नेम. कैसे? सिंटेक्स क्या होता है बेसिक? अब सिंटेक्स क्या होता है आप कह रहे होंगे, सिंटेक्स क्या है बेटा? सिंटेक्स ना बेसिकली रूल होता है कि कैसे आपको कमांड को लिखना है, किस मैनर में आपको लिखना है. जैसे आप लिखेंगे COLOR कलर, ये ब्रैकेट्स नहीं यूज़ होंगे, ये ब्रैकेट्स खाली दिखाने के लिए है कि इसके आगे आप क्या लिखेंगे. ठीक है, ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होते हैं. ठीक है, ये खाली डिपिक्शन के लिए है. कलर स्पेस ब्लू, या तो आप कलर का नेम लिख सकते हैं और या फिर आप क्या लिख सकते हैं, कलर स्पेस 225,0,0. देखो ब्लू का जो कलर है, पीछे जाते हैं हम, ब्लू का कलर क्या है? ब्लू का कलर बेसिकली आता है 0,0,225. बाय मिस्टेक इन लोगों ने यहाँ पे 225,0,0 लिख रखा है. इट डजेंट मैटर, मतलब कहने का मतलब है आप इसे कलर ऑफ द टेक्स्ट विल चेंज टू रेड. इन लोगों ने यहाँ पे कलर का कोड जो है वो चेंज कर दिया है. नाउ पढ़ लेते हैं एक बार, RGB वैल्यू ऑलरेडी बता दिया है. इट स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू. दीज आर प्राइमरी कलर, बट वेन मिक्स एंड कम्बाइन दिस कलर, जब आप मिक्स करते हो आपको कई सारे अलग अलग कलर्स मिलेंगे. ड्राइंग में आप ये चीज़ कर चुके होंगे आई थिंक. RGB कलर स्पेसिफाइड वैल्यू से बने हुए होते हैं, हर एक की वैल्यू रेड, ग्रीन, ब्लू से ही डिफाइन होती है. उनकी इंटेंसिटी मतलब कितना कलर किस में ज़्यादा मिलेगा वही डिफाइन करता है कि आपका नेक्स्ट कलर कौन सा आएगा. कलर जो होते हैं 0 to 255 के बीच में सारे कलर्स लाई करते हैं, जितने भी कलर्स हैं RGB वैल्यूज़ के बीच में. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू की RGB वैल्यू है 0,0,255. वाइट इज रेंडर्ड एज 255,255,255 और ब्लैक की है 0,0,0. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका सिंटेक्स क्या होता है RGB अगर आपको देना है, कलर स्पेस
वैल्यू वन, आरजीबी वैल्यू की वैल्यू वन मतलब आर की वैल्यू, वैल्यू टू मतलब ग्रीन की वैल्यू, वैल्यू थ्री मतलब ब्लू की वैल्यू, जैसे यहाँ दे रखा है, दिस इज नोन एज द आरजीबी वैल्यू। तो ये आपका जो कलर है चेंज कर देगा रेड में। नाउ कमिंग नेक्स्ट कमांड फॉर ग्राफिक आउटपुट एरिया। अब हम कमांड्स के बारे में बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने कलर्स के बारे में देखा था, अब हम कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लास आपने पढ़ा था कि कमांड जो डिस्प्ले करेंगी आउटपुट टेक्स्ट आउटपुट एरिया में, अब आप लर्न करेंगे वो कमांड जो कि ग्राफिक आउटपुट एरिया में आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज CLG कमांड। लास्ट टाइम जो आपने कमांड पढ़ी होगी वो CLS पढ़ी होगी। CLS क्या करती है, क्लियर द स्क्रीन। वो टोन दोनों के दोनों, ग्राफिक आउटपुट एरिया और टेक्स्ट आउटपुट एरिया, दोनों की जो भी कुछ डेटा होता है उसे इरेज कर देती है। लेकिन CLG क्या करेगा, खाली ग्राफिकल आउटपुट एरिया के डेटा को इरेज कर देगा अगर कुछ बना हुआ है जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम रन कर रहे हो। CLG कमांड इज यूज टू क्लियर द ग्राफिक आउटपुट स्क्रीन। जब आप प्रोग्राम रन करोगे विदाउट क्लियरिंग द प्रीवियस प्रोग्राम स्क्रीन, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम ऑल्सो रिमेन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। सो ऑलवेज यूज CLG कमांड एट द बिगिनिंग टू क्लियर द प्रीवियस वन। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमने प्रीवियस अगर कोई प्रोग्राम करा हो तो उसकी स्क्रीन साफ हो जाए, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी। प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सिंटेक्स इसका क्या है, CLG, इट क्लियर द प्रीवियस ग्राफिक। नेक्स्ट आते हैं एंड कमांड। एंड कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। जहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया वहाँ पे आपको एंड यूज करना है, ये प्रोग्राम को और फर्दर मूव करने से स्टॉप कर देता है। बस ये एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम आप टाइप करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट एंड फॉन्ट कमांड। इन द प्रीवियस क्लास आपने प्रिंट कमांड पढ़ा था, जिससे आप डिस्प्ले करते थे टेक्स्ट आउटपुट एरिया में। यहाँ पे आपको क्या करना है, विच यूज टू डिस्प्ले एज वेल एज टेक्स्ट इन द आउटपुट एंड टेक्स्ट आउटपुट एरिया। टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज वेल एज द नंबर्स इन द ग्राफिक आउटपुट एरिया यू विल यूज टेक्स्ट एंड फॉन्ट कमांड। यहाँ पे टेक्स्ट और फॉन्ट करेंगे, आप प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट मैसेज एंड इट्स पोजिशन इन द ग्राफिक आउटपुट एरिया। मैंने ग्राफिक आउटपुट एरिया में कल आपको शायद ग्राफ साइज, ओ सॉरी, ग्राफिकल आउटपुट एरिया की वो बताया था आपको, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और पोजिशंस कुछ क्लियर करी थी, तो हम यहाँ पे उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट कैन बी स्पेसिफाइड बाई टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई कोऑर्डिनेट। नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स। सिंटेक्स रहेगा टेक्स्ट, मतलब हम कह रहे हैं कि हमें टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट जहाँ से हमें स्टार्ट करना है अपना लिखना। एक्सप्रेशन मतलब जो चीज़ हमें लिखनी है विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। अब हम इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। अब इन्वर्टेड कॉ इससे क्या मतलब हुआ, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। स्ट्रिंग जो होती है ना, क्या होती है बेटा, स्ट्रिंग में सब कुछ होता है, टेक्स्ट भी होता है, नंबर्स भी होते हैं और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली आप कमांड में प्रिंट नहीं करा सकते। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा टेक्स्ट 50, मतलब 50 आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, 50 आपका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई हो गया आपका 75। मतलब यहाँ से टाइप करना शुरू करेगा ये PM पब्लिशर। अभी आगे एग्जांपल दिखाएंगे आपको, ठीक है। हेयर टेक्स्ट इज द कमांड, 50 इज एक्स कोऑर्डिनेट, 75 इज वाई कोऑर्डिनेट एंड PM पब्लिशर इज द मैसेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। विद द टेक्स्ट कमांड यू कैन यूज फॉन्ट कमांड ऑल्सो। इसके साथ आप फॉन्ट, फॉन्ट मतलब बेटा हाउ यू राइट द पर्टिकुलर, कोई कर्सिव में लिखता है, कोई कैसे लिखता है, दीज आर फॉन्ट्स। नो, फॉन्ट कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट नेम। फॉन्ट का नाम स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग फॉन्ट कमांड यूज करते हैं। फॉन्ट साइज एंड वेट, साइज मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, वेट मतलब इट्स थिकनेस, ओके। नाउ इसका सिंटेक्स क्या है, फॉन्ट इज द कमांड हेयर, आफ्टर दैट आप फॉन्ट का नेम देंगे विद द इन्वर्टेड कॉमा, जैसे यहाँ पे दे रखा है अनादिका इज द नेम ऑफ फॉन्ट, ठीक है। और वो फॉन्ट आपके सिस्टम में पहले से होना चाहिए, वरना वो फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। साइज इन पॉइंट मतलब साइज क्या होगा उस पर्टिकुलर का जिसको आप दे रहे हैं कॉमा के साथ, यहाँ पे कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा। वेट मतलब कितनी थिकनेस होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट ये देखिए, हेयर फॉन्ट इज द कमांड, अनादिका इज द नेम ऑफ द फॉन्ट मस्ट बी इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर, 24 इज द फॉन्ट साइज, द वर्टिकल लेंथ हाइट ऑफ द टेक्स्ट इज मेजर इन पॉइंट, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 ऑफ अ इंच। इसको हमें नहीं ज़्यादा ध्यान देना है,
अभी आप नॉर्मली करिए इसे। 75 इज द वेट ऑफ फॉन्ट, बोल्डनेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बोल्डनेस बोल्डनेस इज नोन एज द वेट ऑफ द फॉन्ट, ये याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है यहाँ पे, क्या करा है, सी एल जी चलाया है, फिर कलर ब्लू, फिर फॉन्ट अनादिका 24 एंड 75। 24 इज द साइज एंड 75 क्या है इसकी थिकनेस। देन टेक्स्ट कहाँ प्रिंट होना है, 50 बाई 75 इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपका पीएम पब्लिशर प्रिंट करवाना है। रन करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने ये भी एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे रन करा तो यहाँ पे लिखा हो गया गया ग्राफिक ऑटोमेटेड है पीएम पब्लिशर। स्ट्रिंग क्या होती है, टू प्रिंट ए स्ट्रिंग एंड क्लोज इट, अगर किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग मतलब अभी आपको बताया था टेक्स्ट नंबर या कैरेक्टर को, उधर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आपको क्लोज करवाना पड़ता है ताकि वो प्रिंट हो जाए, देर इज नो नीड टू पुट कोटेशन मार्क। ओके नेक्स्ट मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। ओके वेयर इट इज हियर नाउ। अब देखिए ये मैंने कर रखा है सी एल जी कलर ब्लू फॉन्ट अनादिका 1570, मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी, वो मेरे ऊपर है मैं वैल्यूज क्या रखता हूँ। टेक्स्ट 1075 मतलब टेक्स्ट की पोजीशन क्या रहेगी और टेक्स्ट में लिखा क्या जाएगा, बेनहर पब्लिक स्कूल। ओके एंड एंड। अब मैं इसे एक एक करके चलाता हूँ, यहाँ स्टेप पे प्रेस करके, स्टेप कलर ब्लू इसने ले लिया इनपुट, फिर फॉन्ट लेना है इसे अनादिका 1575, इट हैज टेकन द इनपुट। नेक्स्ट टेक्स्ट होगा बेनहर पब्लिक स्कूल, अब यहाँ पे देखिए बैनर पब्लिक स्कूल लेके आ गया। अब यहीं पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज कर देता हूँ, मैं इसे स्टॉप करके प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ, फिर चेंज कर देता हूँ रेड में। ओके रन कर दूंगा, रन रेड हो गया। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कर देता हूँ इसे 0, 0, 0, तो मैंने दोनों चीज़ें यूज़ कर ली, ठीक है। तो ये देखिए आपका बैनर पब्लिक स्कूल क्या आ गया, ब्लैक कलर का। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम टेक्स्ट और फॉन्ट को और कलर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द आरजीबी वैल्यूज एंड द नेम ऑफ द कलर। ओके सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। कलर्स के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ा। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो and ask the queries if there are any. Thank you, have a nice day and keep learning, stay at your home and stay safe.